हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिस चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। उसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राइबोसोम और अंतर्वरिष्ठ पिंड के बारे में। तो आप सभी हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आप सभी को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपका एनसीईआरटी का एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर होगा। बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें जो राइबोसोम होते हैं कोशिका की जीवद्रव झिल्ली से, जीवद्रव झिल्ली का मतलब होता है क्या, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर की आकार की होती है। राइबोसोम की आकार क्या होती है, 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। और इसकी दो उप इकाइयां होती हैं जो 50S और 30S की बनी होती है। इसकी दो उप इकाइयां होती हैं जो 50S और 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कितने प्रकार, कितने एस का राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S का, जिसका दो इकाई होती है। एक को 50S कहा जाता है और दूसरे वालों को 30S कहा जाता है। जो 50 वाले एस होते हैं वो बड़ी इकाई होती है, जो 30S इकाई वाली होती है वह छोटी इकाई होती है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। राइबोसोम के ऊपर क्या होती है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे हम लोग बहु राइबोसोम या उसे ही बहुसूत्र कहा जाता है। बहुत सारे राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए का मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए से जुड़कर संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, जिसे हम लोग बहु राइबोसोम कहते हैं और या उसे ही बहुसूत्र कहा जाता है। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। जो बहुसूत्र होते हैं का राइबोसोम जो होती है संदेशवाहक आरएनए यानी कि एमआरएनए से जुड़कर, मैसेंजर आरएनए से जुड़कर संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। उसके बाद हमारा राइबोसोम कंप्लीट होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें 70S का राइबोसोम पाया जाता है। इसके आकार पूछा जाएगा, 15 से 20 का नैनोमीटर का इसकी आकार होती है। इसकी दो उप इकाई होती है, 70S में जो दो उप इकाई होती है उसमें एक 50S होता है और दूसरे वालों को 30S कहा जाता है। और ये राइबोसोम जो होती है बहुत सारे mRNA से जुड़कर यानी मैसेंजर RNA से जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे हम लोग बहु राइबोसोम कहते हैं या बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक RNA से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। जो हमारा क्लास 11th में राइबोसोम का जो टॉपिक दिया हुआ था, ये हमारा क्रिस्टल क्लियर होता है। अगर आपसे कोई पॉइंट क्लियर हुआ होगा तो आपसे हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। और अगला पॉइंट कह रहा है अंतर्वरिष्ठ पिंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। अंतर्वरिष्ठ पिंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अंतर्वरिष्ठ पिंड प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में अंतर्वरिष्ठ पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्रव घेरे हुए नहीं होते, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। इसका उदाहरण है फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन की कणिकाएं, गैस रसधानी, नीलहरित, बैंगनी और हरी प्रकाश। जैसे कि हमारे कोई कोशिका है, ये हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ होते हैं जो कोशिका द्रव में अंतर्वरिष्ठ कोशिका द्रव, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोशिका द्रव हो गया, कोशिका द्रव पिंड के रूप में संचित होते हैं। और इसमें कुछ इस तरह का पिंड इसी कोशिका द्रव में पाया जाता है, पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली के द्वारा घिरे हुआ और जो ये पिंड होते हैं वो किसी भी झिल्ली के द्वारा घिरे हुए नहीं होते, यानी कि वो जो होते हैं कोशिका द्रव में ये स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। और इसका उदाहरण जो दिया हुआ हमारे पास, फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन की कणिकाएं, ये तीन कणिकाएं दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स और नीट एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि अंतर्वरिष्ठ पिंड में कौन कौन से पिंड पाए जाते हैं। फॉस्फेट कणिकाएं, दूसरा होता है हमारा साइनोफाइसिन कणिकाएं और तीसरा होता है हमारे पास ग्लाइकोजन की कणिकाएं। गैस रसधानी, नीलहरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलती है। ये हमारा जो टॉपिक था क्लास 11th का कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हम लोग आज पढ़ रहे थे राइबोसोम और अंतर्वरिष्ठ पिंड, ये हमारा जो टॉपिक था क्रिस्टल क्लियर होता है। अगर आपसे कोई वीडियो पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।